हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का रुचिरा भाग प्रथमे पाठ सुभाषितानी। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो बेटा, अभ्यास कार्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कृत में एक एक वर्ड का मतलब समझ जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकानां सर्वम ज्ञायते। सर्वान यानी सारे श्लोकानाम, श्लोकों को स्वर में गाना है, तो वो तो आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, यथा योग्यम श्लोकाना श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम, जो उचित हो उन्हीं श्लोकों का मिलान करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है, धन धान्य परियोगेशु। तो आपने अभी मेरे साथ में पढ़ा था, सुभाषितानी का विस्तार कराया था जब हमने, तब हमने देखा था कि किस श्लोक में क्या क्या लाइन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम कंप्लीट करेंगे। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या का संग्रह करने में। नेक्स्ट है, विष्णु में ही कर्तव्य, हैरान होने की कोई बात नहीं है। किसमें? बहुरत्ना वसुंधरा। देन हमारा नेक्स्ट है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी पृथ्वी सत्य को धारण करती है, और सत्येन तप्ते रवि, और सत्य के तेज से ही हमारा रवि चमकता है। सद्भिर्वादम मैत्रीं च। सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए, ना सद्भि किंचित आचरेत, असज्जन लोगों के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। आहार व्यवहार च, आहार व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवे, जो संकोच नहीं करता वह सुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उतरत है। एक पदेन यानी एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, तीन। नेक्स्ट है, मूढ़े कुत्र रतन संज्ञा विधीयते। मूढ़े मूर्ख, जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? किसको देते हैं? पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्येन, सत्य को। कई संगति कुरुवीत, हमें किसके साथ, कई यानी किसके साथ संगति कुरुवीत, संगति करनी चाहिए, तो किसके साथ करनी चाहिए? सद्भी। लोके वशी कृति वाका, लोके यानी लोक को वश में कौन करता है? लोके तीन जो लोग है, पूरा संसार है, उसको वश में कौन करता है? क्षमा, क्षमा तीनों लोगों को वश में करती है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, रेखांकित पदानि अधिकृत पर्शन निर्माण कृत। यानी जो रेखांकित पद हैं, जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनका इनको पर्शन में बदलना है। तो जैसे ये आंसर है, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। सत्येन वाति वायु, फर्स्ट हमारा सत्येन वाति वायु, जो वायु है वो सत्य के द्वारा बहती है, तो हमें बताना है कि वायु, क्वेश्चन बनाना है किसके द्वारा वायु बहती है? केन, तो क्या आएगा? केन। हम सत्य की जगह केन को रिप्लेस करेंगे, केन को लिखेंगे, तो हमारा इससे क्वेश्चन बनता है कि वायु किसके द्वारा बहती है। सेकंड है, सद्भी एव सह आसीत, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? कई, किसके साथ, हमें किसके साथ बैठना चाहिए? कई एव से आसीत, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। नेक्स्ट है, वसुंधरा बहुरत्ना बहती। वसुंधरा पृथ्वी पर, वसुंधरा यानी पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न है, तो जो बहुत सारे रत्न है वो कहाँ पर है? यानी का बहुरत्ना बहती, बहुत सारे रत्न कहाँ पर है? विद्याया संग्रहेशु तयक्त लज्जा सुखी भवे, विद्या का संग्रह करने में जो लज्जा नहीं करता है वही सुखी होता है। तो इसमें पूछा गया है किसका, विद्याया को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित पद क्या है हमारा? विद्याया। किसका संग्रह करने में जो संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है? यानी कश्या, तो हम विद्या की जगह क्या लिखेंगे? कश्या, कश्या संग्रहेशु त
तयक तिलज्जे सुखी भवेत। नेक्स्ट हमारा सद्भि मैत्री कुर्वीत। सद्भि यानी सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, मैत्री। अब सज्जनों के साथ क्या, मैत्री की जगह क्या लगाएंगे, क्या। सद्भि के साथ क्या करना चाहिए, काम। सद्भि काम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नानुमोत्राणि लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब लिखा है एक पदे, नहीं लिखा है एक पदे का मतलब होता है एक पद में, लेकिन यहाँ लिखा है प्रश्नानुमोत्राणि लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी पूरा वाक्य लिखना है। फर्स्ट हमारा कुत्र विषमे न कर्तव्य, कुत्र किसमें, विषमे हैरान होने की, किसमें हो रहा हैरान होने की बात नहीं है, किसमें नहीं है। दाने तपशी शौर्य च विज्ञाने विनिये नहीं, जो हमारे दान है, तपशी है, शौर्य है, विज्ञान है, नित्या है, इनमें हमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी कानि, पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणी तीन रतन कौन से हैं, तो हमें पता है कौन से हैं। जलमन्नम शुभाषितम, जलमन्नम शुभाषितम त्रीणी रत्नानी पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी, जलमन्नम शुभाषितम पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी। पृथ्वी के तीन रत्न क्या हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। तयक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत, तयक्त लज्जे जो व्यक्ति संकोच छोड़ देता है, जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वो कहाँ सुखी रहता है। आहारे व्यवहारे चे, आहार और व्यवहार करने में। नेक्स्ट आता है हमारा मंजूषाते पदानी, मंजूषाते यानी बॉक्स में नीचे, मंजूषाते पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखते हैं। इसमें जो बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनको लिंग के अनुसार लिखना है कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसकलिंग कौन सा है। रत्नानी, तो रत्नानी रत्न, रत्न क्या होते हैं वो, ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, तो हम उसको किस में रखेंगे, नपुंसकलिंग में। वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी को आप बोल के देखो पृथ्वी ऐसी है पृथ्वी वैसी है, तो हम उसको किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग में, स्त्री जाति का बोध होता है। सत्यम, सत्यम सत्य चलता है, सत्य सुनाई देता है, तो ये सब किस में आता है, पुल्लिंग में। सुखी, सुखी क्या, सुखी तो, सुखी तो कोई भी है, तो मतलब ये नपुंसकलिंग है। अन्नम अनाज, अनाज हमारा किस में आता है, नपुंसकलिंग। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिए कि हमें इनको किस में लिखना है, कौन से वाले बॉक्स में लिखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चलिए नेक्स्ट करते हैं अधोलिखित पदेशु धात्वे के संति, अधोलिखित यानी अधो, अध मतलब नीचे, लिखित लिखे हुए, पदेशु पदों में कौन सी धातु है, नीचे लिखे गए पदों में कौन सी धातु है। तो इधर आपको पद लिखे हैं तो यहाँ पर धातु लिखनी है। फर्स्ट हमारा करोति, करोति कौन सी धातु में आता है, क्री धातु, करोति क्री धातु में आता है। पश्य, पश्य जो पद है वो दृश धातु से आता है। नेक्स्ट हमारा भवेत, भवेत पद किस में आता है, भू धातु में। तिष्ठति, तिष्ठति पद है तो ये किस में है, स्था धातु में। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।